दिव्यांश और देखिए गाइस ये हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मम्मी ने यहाँ बर्तन वगैरह निकाले थे तो वो अब मांजेंगे। देखिए ये सेवैया है और ये गुड़ वगैरह सभी सामान मम्मी ने यहाँ पर निकाल लिए थे। मेरे से गलती हो गई थी कि मैं सोई रह गई और यहाँ पर पूरा किचन के बर्तन निकल गए। और देखिए गाइस ये बर्तन धुल गए थे, यानी ये जो डब्बे हैं किचन वगैरह के पूरे जो सामान थे वो खाली करे और फिर ये डब्बे अच्छे से साफ करे धोए और अभी सूखने के लिए रखे हैं। थोड़ी देर सूख जाएंगे तो उसमें ये सामान भर देंगे सारा जो इसमें पहले भी था, और ये वाले डब्बों को शायद नहीं धोया है अभी क्योंकि इसमें सामान था जैसे चिप्स वगैरह तो वो थोड़े ठंडे हो जाते, तो इनको साफ कर तो इनको पहले धूप में निकाल देंगे कल सूखने के लिए, फिर थोड़ा इनको अच्छे से धो लेंगे। तो गाइज अब मैं थोड़ा पढ़ाई करने बैठ रही हूँ क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल कॉपी मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी ये वाली, तो ऐसी 3 कॉपियाँ हैं तो मैं अभी लिखने बैठती हूँ प्रैक्टिकल। फिर थोड़े दिन में डेट भी आ जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुके हैं मेरे, एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे और उसी चक्कर में ब्लॉग वीडियो भी नहीं बन रहे थे तो थोड़े दिन 4-5 दिन का गैप ले लिया था, ब्लॉग भी नहीं बना रहे थे। लेकिन अब एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी ब्लॉग भी बनाएंगे। और ये देखिए गाइस बच्चे आ चुके हैं और ये लोग रोज आते हैं मम्मी के पास और मम्मी के साथ रोज बात करते हैं। और ये देखिए हमारी दीवार जो कली बनी है, आपने इसका ब्लॉग नहीं देखा होगा तो ब्लॉग देख लीजिए। और ये हमेशा की तरह हमारी सुनसान सी गली, और ये देखिए गाइस यहाँ पे ये दीवार बन गई है इसलिए ये सारे पौधे हमारे यहाँ पे रखे हैं अभी लाइन से जमा के, तो थोड़ा उनके लिए जगह बनाएंगे या तो यहाँ ही रहने देंगे क्योंकि अच्छे भी लग रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारी दोनों गाड़ियाँ रखी है और यहाँ पे मम्मी बैठे हैं और मम्मी ने अभी पूरा बर्तन साफ करके आई है। और गाइस ये देखिए इनकी क्या, ओए नीचे बैठ, गिरेगा नीचे बैठ, ये बच्चे ना डरते भी नहीं है थोड़ा भी। और ये पलक भी नीचे बैठ, और यहाँ पर ऊपर अभी वीडियो बन रहा है तो हमारी अभी नो एंट्री है। कुछ बोलना चाहेंगे क्या वीडियो में, बोलना तू ही बोल दे पलक, बोलते नहीं आता। गाइस देखिए हमारा हीरो आ चुका है दिव्यांश, रो रहा, रोना नहीं है, दिव्यांश अभी रो रहा है। क्यों दिव्यांश सुनो, मम्मी ने क्यों डांटे दिव्यांश को, दिव्यांश ए बेटा क्या हो गया, मम्मी ने मारा दिव्यांश, अभी आ रही दीदी है। दिव्यांश ने क्या खाया आज, आ जाने, हाँ दीदी आ रही है अभी, बाय दीदी, ए पले बाय करो, बाय बाय दीदी, कैसे बोल रहा था दिव्या, आवाज दे दीदी आ जाओ बोलो, बाय दीदी बाय बाय, कार कहाँ है दिव्यांश की, उधर है और ये देखिए गाइस फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर ऊपर स्टूडियो में, तो यहाँ पर पापा कटिंग कर रहे हैं, ये ब्लाउज के फन में किसी के देने है ना पापा, हाँ ये किसी को बेंगलोर पहुँचाना है ना, और ये पैकेट भी पैक हो रहे हैं पूरे अपने, और ये जो कुरियर वाले पैकेट है वो तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए गाइस यूट्यूब स्टूडियो कितना भरा भरा लग रहा है आज, क्योंकि यहाँ रखी है लाइन से 5-5 मशीनें और इस पे चालू होगा हमारा न्यू वर्क जो कि रहेगा ऑफलाइन
से टेलरिंग क्लास का। तो जो भी इंटरेस्टेड है नेपानगर से, अगर कोई ब्लॉग देख रहा हो और जिनको अगर सिलाई सीखना हो तो वो अपना कोर्स ज्वाइन कर सकता है। पूरी डिटेल्स आपको कॉल पे पता चल जाएगी या तो आप हमारे ऑफिस आके भी पता कर सकते हो। और ये देखिए पूरी ब्रांड न्यू मशीन्स है, कल ही लेके आए है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर फर्मे पैक हो रहे हैं। और मुझे अभी जस्ट चिल्ला दिया प्रफुल ने कि जा दो तू चले जा नीचे, मैं अकेले ही कर लूंगा। तो अभी अकेला कर रहा है। और देखिए पूरे पैकेट तैयार हो रहे हैं, धन्यवाद आखिरी बार। तो ये देखिए गाइस मम्मी यहाँ पर छत की साफ सफाई करने आ गई। आई वीडियो बनाने मेरा और कुछ नहीं, ये देखिएगा इस मम्मी मुझे मार रही है पता नहीं क्यों। आउट जाओ उधर, मेरा वीडियो मत बना कर, मैं काम कर रही हूँ। मार खा रही हूँ गाइस फिर भी मेरे को ऐसी आ रही। मम्मी मत करो ना, आज ये ब्लॉग में डलेगा। ये देखिए ये खू चिपकली निकली गई वहां से। अभी थोड़ा मुझसे मम्मी गुस्सा है इसलिए आज सुबह से मेरे से बात नहीं कर रही है, पर ठीक है अब तक नहीं करेंगे, देखते हैं अपन भी। तो गाइस अब हंसी मजाक बहुत हो गया, हंसते हंसते मैं नीचे ही बैठ गई थी। तो अब यहाँ पे लगाती हूँ मैं झाड़ू और मम्मी भी थोड़ा, क्योंकि छत पे बहुत ज्यादा कचरा हो रहा था। जा रही हम तो मंदिर जाएंगे अभी। आज वो है, आज है गुरुवार तो हम जाएंगे मंदिर। हम मेरे को ले चलेंगे कि नहीं मम्मी? नहीं मैं कौन ले जाऊंगी, मेरी बेटी 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 कौन बदल गई मम्मी की। मेरी तीन बेटी है। कौन कौन नाम बताओ? फरीन, फला, एसो और रोशनी। नहीं नहीं देखिए गाइस आप सभी के सामने बोला जा रहा है ये, ठीक है? नहीं तो इसलिए तो मैं सब काम कर प्रैक्टिस कर रही कि बाद में क्या करूंगी तो अकेले। मम्मी गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है और इधर हमारे यहाँ पूरा मतलब पीछे साइड से जंगल ही जंगल दिखता है, क्योंकि ये हमारी लास्ट कॉलोनी है नेपानगर की। मतलब यहाँ इसके बाद नेपानगर खत्म हो जाता है और दूसरा गाँव चालू हो जाता है। और क्या दिख रहा है ये देखिए गाइस यहाँ पे व्लॉग बना जा रहा है शायद घूम घूम के। ये चली देखो बाहरों की गली, मुझे रोको ना कोई मैं हूँ प्यार के। देखा चक्कर नहीं आ जाए प्यार की गली को। तो देखिए गाइस अब छत पूरी साफ हो चुकी है, झाड़ू लगा दी है मैंने और साफ करते करते रात ही हो गई है, मतलब शाम 7-1 बज गई होगी अभी। तो ये देखिए पूरा अच्छे से साफ कर दिया है, वो कचरा भरने का है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साईं मंदिर, आज गुरुवार है तो मम्मी और मैं जा रहे हैं और हमारे घर के बहुत पास में ही है साईं मंदिर। तो चलिए आपको बताते हैं। आरती की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही मम्मी क्योंकि अभी शायद माइक बंद है। हाँ बता दीजिए।
गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं और ये देखिए बच्चे भी आए हैं मम्मी के साथ। अब हम सब जा रहे हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे आए सब, हमारे बच्चे और आरती हो गई थी, हम घर की दियाबत्ती भी कर रहे हैं। ये देखो गाइस कितना अच्छा है बछड़ा। तो गाइस अब हम लोग घर आ गए थे साईं मंदिर से जाने के बाद, तो हम लोग ब्लॉग का एंड यहीं पर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।